हेलो फ्रेंड्स, आई विनोद यादव वेलकम यू ऑल अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के जो वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ उनको कंटिन्यू करते हुए अगले टॉपिक को आज डिस्कस करूंगा। और अगला टॉपिक जो था, जैसे पिछले टॉपिक में मैंने आपके साथ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिस्कस किया था, आप इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपने देखे थे कि हमने दो हाफ सेल जोड़े हुए थे और उनमें देखा था कि एक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन हो गया था, देखा हो गया था रिडक्शन। तो वो जिस किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, वही कहलाता है इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल। जैसे देखिए, मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पोटेंशियल में जो क्षमता लिखा हुआ है, क्षमता आज आप सबको पता है क्षमता मींस टेंडेंसी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपने देखा था भी एक जैसे जिंक का तो ऑक्सीडेशन हो गया था और अपना कॉपर का रिडक्शन हो गया था, तो उनकी टेंडेंसी थी उनका पोटेंशियल का। तो अब मैं शुरू से डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या है। अच्छा, एक बात हो गई थी, जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिस्कस किया था उसमें वोल्टामीटर लगाया था, वोल्टामीटर ने जो रीडिंग दी थी वो सेल की ईएमएफ की दी थी। किसकी रीडिंग दी थी? सेल के ईएमएफ की। लेकिन अब सेल के ईएमएफ का फॉर्मूला ये होता है, देखिए, ईएमएफ इज इक्वल टू ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में तो ये रीडिंग आ गई थी, न इसकी रीडिंग थी न इसकी रीडिंग थी। तो आज के जो लेक्चर का मेन मकसद है वो इनकी रीडिंग कैसे निकालते हैं उसके ऊपर फोकस रहेगा, क्योंकि ये तो श्योर है कि ईएमएफ का जो आंसर आता है वो इन दो वैल्यूज की मदद से ही आता है। जब रिडक्शन में से ऑक्सीडेशन की वैल्यू को घटाएंगे तब तो ईएमएफ आएगा। पर वहां तो क्या था, मशीन थी, वोल्टामीटर एक मशीन है, उसने डायरेक्ट आपको वैल्यू दे दी। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो इसके लिए आपको ना तीन डायग्राम से फोकस करना पड़ेगा, पहला डायग्राम, दूसरा डायग्राम और तीसरा डायग्राम। तीन पे फोकस कीजिए। पहले आप देखिए, पहला डायग्राम में मैंने क्या किया हुआ है, मतलब तीनों में क्या हुआ है, सिंपल एक मेटल रोड को उसी मेटल के साल्ट के सॉल्यूशन में डुबो के रखा हुआ है। ठीक है जी, तो देखे जा रहे हैं अभी। पहले केस में क्या हो रहा है, पहले केस में यह हो रहा है कि मेटल आयन आए मेटल सोल्यूशन में से टकराए और डिफ्रैक्ट होकर वापस जा रहे हैं। देखिए, यहां भी एमएन प्लस था, यहां निकलने के बाद एमएन प्लस ही हो रहा है इस, और इसका भी कुछ नहीं हो रहा है, ना तो इसने इस इलेक्ट्रॉन दिए ना लिए, तो हम कह सकते हैं इस केस में कुछ भी नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं यहां जो मेटल रोड मैंने डाली हुई है ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है, मीन नॉन रिएक्टिव इनर्ट। जैसे आप लोगों को पता होगा प्लेटिनम है, कार्बन के इलेक्ट्रोड है, इनका हम यूज करते हैं एज एन इनर्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है जी, अब जरा मैं दूसरे वीडियो को, दूसरे डायग्राम को देखे जा रहे हैं बारी। यहां पे आप क्या देख रहे हैं, यहां पे आपको दिखाया जा रहा है कि मेटल आयंस के मुकाबले मेटल जो रॉड थी उसका जो मेटल आइटम था वो ज्यादा रिएक्टिव है। अब मेटल आयन की टेंडेंसी होती है वो रिडक्शन होता, पर उसके मुकाबले मेटल का होगा ऑक्सीडेशन। देखिए, मेटल निकल रहा है एमएन प्लस के रूप में, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे, इलेक्ट्रॉन कहां डिपोजिट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डिपोजिट हो रहे हैं रॉड के ऊपर ही। क्लियर हो गया? तो मैं कह सकता हूं कि इस केस में मैं दिखा रहा हूं कि मेटल का ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है जी, इस डायग्राम को भी डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में। तीसरा केस देखिए, तीसरे केस में मैं क्या देख रहा हूं कि मेटल एटम के मुकाबले जो मेटल आयन है वो ज्यादा रिएक्टिव है, और अब क्योंकि मेटल आयन थे कटायन थे तो ऑब्वियसली उन्होंने इलेक्ट्रॉन लेना है। इलेक्ट्रॉन किससे ले रहे, इस रोड से ले रहे हैं और रिड्यूस हो जा रहे हैं, और रिड्यूस होकर के मेटल बन जा रहे हैं। क्लियर हो गया? तो देखो, पहले केस में तो हुआ था आपका ऑक्सीडेशन, यहां हो गया रिडक्शन। अब इन दोनों से फर्क क्या पड़ता है, फर्क देखिए जरा इसको देखिए पहले सेकंड वाले डायग्राम को। जब मेटल रोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स हो गए तो मेटल रोड बिकम नेगेटिव चार्ज, आई हैव शोन इट बाय नेगेटिव चार्जेस, और मेटल आयन कटायन निकल रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि सोल्यूशन के अंदर अब कटायन की संख्या बढ़ गई है। क्लियर हो गया? तो ओवरऑल क्या हुआ कि नेगेटिवली चार्ज्ड मेटल रोड ने पॉजिटिवली चार्ज मेटल कटायन को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, अट्रैक्ट कर दिया। तो मैं कह सकता हूं देखिए, ये सारे के सारे क्या मेटल कटायन हैं जो इसकी सराउंडिंग्स में आ गए, मेटल रोड की सराउंडिंग्स में। तो हम कह सकता हूं कि चार्ज की सेपरेशन हो गई है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ऐसे केस कुछ यहां भी हुआ है, देखिए, जब आपका ये जो आपका मेटल मेटल आयन जो कटायन था, इसने इलेक्ट्रॉन लेकर के मेटल बनाया,
तो ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि क्या नाम है, जो रॉड थी वो होगी पॉजिटिव चार्ज, क्या होगी पॉजिटिव चार्ज। अब क्योंकि देखिए सॉल्यूशन में दो तरह के आयंस थे एम प्लस और एक्स माइनस सार सॉल्यूशन, क्लियर। अब क्योंकि रॉड हो गया कि पॉजिटिवली चार्ज, तो बच के आगे सोल्यूशन में एक्स माइनस आयंस नेगेटिव चार्ज, तो ये जो पूरी रॉड जो पॉजिटिव चार्ज थी इसने जो नेगेटिव अनायन थे उन्हें अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया अपने पास, तो यहां भी तो आपका सेपरेशन ऑफ चार्ज हो गया, ये दोनों अपोजिट है दूसरे के। ये कब, ये अलग सिचुएशन कब आई, जब रोड का हो गया ऑक्सीडेशन, और ये सिचुएशन कब आई, जब सॉल्यूशन के मेटल कंटेंट का हो गया रिडक्शन, क्लियर हो गया। तो दोनों ही कंडीशन में आपका क्या हो रहा है, सेपरेशन ऑफ चार्ज हो रहा है। सेपरेशन ऑफ चार्ज की वजह से यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, क्लियर। उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब दो तरह के पोटेंशियल है, या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल, क्लियर हो गया। लेकिन अब इनकी वैल्यूज क्या होंगी उसे डिटरमाइन अगली स्टेप में करूंगा आपके साथ, ठीक है जी। तो देखिए अभी तक मैंने बात की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करता हूं, किसी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को मेजर करता हूं स्टैंडर्ड कंडीशंस, वो स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या है, 1 bar प्रेशर 298 केल्विन टेम्परेचर, तो उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डेजिग्नेशन होता है उसको तो ई से कर देते हैं, लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन में किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल नापते हैं तो उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है ई के ऊपर आपको नॉट लगानी है बस। This is the symbol of standard electrode potential. अब हम किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल नापे कैसे, क्योंकि जो मैंने पहले लेक्चर में जो आपको समझाया था, मैं फिर रिवाइज सा कर रहा हूं आपका सर, कि हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया था उसमें आपका वोल्टामीटर ने सेल का ईएमएफ दे दिया था, और लेकिन आपको उस एक्सपेरिमेंट की मदद से इलेक्ट्रोड का अलग अलग पोटेंशियल की वैल्यूज का नहीं पता चला था। तो अब आगे मैं बताने वाला हूं कि सिंगल इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे नापते हैं। तो देखिए उसके लिए भी हमें एक इलेक्ट्रो केमिकल सेल बनाना पड़ेगा, और उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर वैसे एस्टेब्लिशमेंट होगी, वोल्टामीटर वगैरह सब लगेगा, लेकिन दो इलेक्ट्रोड, दो आपके हाफ सेल्स में से एक हाफ सेल रेफरेंस इलेक्ट्रोड का होगा। वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होगा, वो होगा आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्या होगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और क्योंकि वहां पे मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशंस में नापने वाला हूं, तो इसलिए उस इलेक्ट्रोड का भी नाम होगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो जरा बोर्ड पे ध्यान देखिए डायग्राम की तरफ एक बारी, ये तो आपके सामने बना हुआ है हाफ सेल मानी चलिए इसको, ठीक है, किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का हाफ सेल है, और उस हाफ सेल का ये कौन सा हाफ सेल है, ये आपका हाइड्रोजन का हाफ सेल है। तो मैं समझाने वाला हूं ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है, मैं कंस्ट्रक्शन समझा रहा हूं इसकी, क्या समझा रहा हूं कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन हम क्या है, देखिए अभी बीकर दे रखा है, और बीकर के अंदर मैंने ग्रीन कलर से शो किया है आई हैव टेकन 1 mm HCl, और इसके बीचों बीच देखिए रेड कलर के वायर इसके साथ कनेक्टेड है, ये आपका एक प्लेटिनम की फॉइल, लास्ट में देखिए मैंने थोड़ा सर्कुलर सा कर रखा है, ये सर्कुलर कह रहा हूं सॉरी रेक्टेंगुलर टाइप कुछ, ये प्लेटिनम फॉइल है, ठीक है जी। और इस सारे कनेक्शन को दो ट्यूब, एक ट्यूब के माध्यम से तो वायर आ रहा है, उसके बगल में एक ट्यूब वो लगा रखी है जो इस साइड ओपन हो रही है, और ये जो बड़ी ट्यूब जो आपकी है ये इस साइड ओपन हो रही है। तो देखिए जरा एक बारी, यहां से हाइड्रोजन गैस डाली जा रही है, क्या डाली जा रही है हाइड्रोजन गैस। तो देखिए, और एक तो हाइड्रोजन गैस है, दूसरा HCl के अंदर H+ है, क्लियर हो गया। अगर मान लो किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इट एक्ट एज एनोड, तो अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का याद हो एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन किसका होगा इस गैस का होगा हाइड्रोजन गैस का होगा। तो H2 गैस का जब आपका ऑक्सीडेशन होगा तो प्रोड्यूस 2H+2 electrons, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दिस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट एज कैथोड, उस केस में क्या होगा, जो एसिड के जो H+ है उनका रिडक्शन होगा, वो बनाएंगे क्या हाइड्रोजन गैस। तो दोनों केसों में क्या है, यहां से आप गैस डाल रहे हो यहां से गैस निकल रही है, क्लियर हो गया आपको बात। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इसकी मदद से हम लोग जो है
किस प्रकार से अलग अलग जो इलेक्ट्रोड्स हैं। मैं सिर्फ दो एग्जांपल लेके समझाऊंगा, जैसा कि बुक में समझा रखे हैं, जिंक का कॉपर का समझाने वाला हूं, ठीक है, कि भाई जिंक का हाइड्रोजन रिस्पेक्ट में क्या होता है, कॉपर का हाइड्रोजन रिस्पेक्ट में क्या होता है। तो उसके लिए मुझे जो डायग्राम बनाने पड़ेंगे, तो अभी एक मिनट आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो देखिए, अब मैं आपके सामने एक डायग्राम लेके आया हूँ। इस डायग्राम में सिंपल सा मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया है, और इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक जो हाफ सेल है वो आपका सिंपल SHE है। SHE माने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और दूसरा मैं जिंक इलेक्ट्रोड रखा है। तो मैं जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि अब मैं जिंक के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसके जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो फिक्स होती है, वो होती है 0.0 वोल्ट। इसके बाद मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, EMF इज इक्वल टू E0 रिडक्शन माइनस E0 ऑक्सीडेशन। अब इसकी क्या वैल्यू रखूं हाइड्रोजन वाले की, वो देखेंगे जब कनेक्शन करेंगे इसका, कि भाई इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे, करंट कहां से आ रहा है। वैसे तो मैंने शो कर रखा है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो डायग्राम को। अब देखिए, सपोज कीजिए मैंने की को कनेक्ट कर दिया, तो ऑब्वियसली अब की को कनेक्ट करने के उपरांत मैंने क्या देखा, वोल्टामीटर की नीडल में डिफ्लेक्शन आई। तो नीडल में डिफ्लेक्शन का मतलब है कि आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो गया है, करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। और ये जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसमें जो वोल्टामीटर जो इसका EMF दिखाता है वो दिखाता है 0.76। क्या दिखाता है? 0.76। तो उसमें इसके नीचे पुट करूंगा 0.76 इज इक्वल टू। अब थोड़ी देर के बाद हमने एक चीज और भी देखी, क्या नाम है, जो जिंक रोड था वो थोड़ा पतला होना शुरू हो गया। पतला होना शुरू हो गया का मतलब साफ है कि इसका हो गया कि ऑक्सीडेशन। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो ऑब्वियसली यहां से जिंक आयन निकल रहे होंगे, इसमें आ रहे होंगे, ठीक है जी। तो सिंपल सी बात है, जब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो SHE का क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन किसका, जो HCl के जो H+ थे उनका रिडक्शन शुरू हो गया होगा, और इसकी वैल्यू मैंने कहा था फिक्स है 0। तो इसके नीचे पुट करूंगा 0.0 वोल्ट माइनस E0 ऑक्सीडेशन। समझ गए? तब देखिए, जब मैं इसको यहां लेके आऊंगा, E0 ऑक्सीडेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी जिंक के लिए, वो मेरी आ जाएगी 0.0 माइनस, और ये माइनस ये हो जाके माइनस होगा, यानी कि जिंक की जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है वो मेरी आएगी प्लस में 0.76 वोल्ट। फिर हो गया। तो देखिए कैसे मैंने एक सिंपल सा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एस्टेब्लिश करके, जिसमें मैंने हाफ सेल आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया, और दूसरा मैंने जिंक की निकालने की उसका हो गया ऑक्सीडेशन, और ना तो ये पता क्या कि ऑक्सीडेशन हुआ, बल्कि उसकी वैल्यू भी मुझे पता चल गई, जो कितनी आई है प्लस में 0.76 वोल्ट, ठीक है जी। अगले डायग्राम में मैं आपको बताने वाला हूं कि कॉपर को अगर मैं लेता हूं तब क्या सिचुएशन होती है, ठीक है। अब इस डायग्राम को देखिए, ये दूसरा एक मैंने आपके सामने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया है। कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, तो वही डायग्राम है, जिन्हें वही डायग्राम नहीं, आप ध्यान से चेंजेस को ऑब्जर्व कीजिए। अगर आप चेंजेस को ध्यान से देख रहे हो, देखिए इस रोड का मैंने कॉपर का नाम दे दिया है, और साल्ट डाल के कॉपर सल्फेट, और डायरेक्शंस को देख लीजिए, उनके अपोजिट डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं और करंट जो आपको सेट जा रहा है। अब जब इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, इसका इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रही है, इसका मतलब इस केस में जो आपका हाइड्रोजन का जो आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड लिया था उसका हो गया जी ऑक्सीडेशन। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और कॉपर का हो गया रिडक्शन। कॉपर का क्या हो गया? रिडक्शन। और इसके वोल्टामीटर ने रीडिंग दिखाई सेल के EMF की 0.34। क्या पुट की? 0.34। फॉर्मूला दोबारा पुट करते हैं, EMF इज इक्वल टू E0 रिडक्शन माइनस E0 ऑक्सीडेशन। और इस सेल के जो EMF की वैल्यू आई वही 0.34 वोल्ट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। और देखिए जरा एक बारी, अब यहां पे क्या है, E0 रिडक्शन इसका हो रहा है, तो मैं यहां पे E0 इसका रिडक्शन की वैल्यू निकालूंगा कॉपर की, Cu2+Cu, और इसकी वैल्यू हाइड्रोजन की है तो पुट करूंगा 0.0।
ठीक है जी। तो यहां से मेरा ये E नॉट क्या हो जाएगा, कॉपर का E नॉट रिडक्शन ऑफ कॉपर आयन टू कॉपर इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा जीरो, तो 0.34 प्लस 0.0, तो ओवरऑल आंसर आपका आ गया प्लस में 0.34 वोल्ट। पिछली बार जो मेरा जिंक का आता ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो इसका क्या हो रहा है रिडक्शन पोटेंशियल, क्या हो रहा है रिडक्शन पोटेंशियल। इसके बाद देखिए मैं लिख देता हूं दोबारा से दोनों का एक बार, E नॉट रिडक्शन किसका कर रहे हैं कॉपर आयन्स का, Cu2+Cu, ये भी आ रहा है प्लस में। लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी हम इंसुलेटेड जब कैलकुलेशंस करेंगे तो ऐसा बताया गया है कि कैलकुलेशंस के अंदर भी नेवर यूज दिस टर्म, आपको कभी भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यूज नहीं करना, यू विल ऑलवेज हैव टू यूज रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर जिंक रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अगर रखनी होगी मान लीजिए तो इसकी अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट मतलब साइन बदल जाएंगे। तो अगर मैं रिडक्शन लिखता हूं कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो अगले लेक्चर में वो समझाए जाएंगे, तो माइनस में हो जाएंगे। तो इस तरीके से साइंटिस्ट ने जो है कई सारे इलेक्ट्रोड्स की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू को फाइंड आउट किया और एक सीरीज बनाई विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। तो कई कुछ सीरीज में उस सीरीज में देखा गया कि विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन रखने पर कुछ इलेक्ट्रोड्स का तो हो गया ऑक्सीडेशन और कुछ का हो गया जी रिडक्शन, ठीक है जी। तो ऑक्सीडेशन से रिडक्शन जाते समय एक सीरीज आपके सामने आएगी जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो लेक्चर मैं अगले वीडियो में डालूंगा। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड प्लीज मैं दोबारा बोल रहा हूँ वीडियो को आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।